एमएनएन न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लघु सिंचन विभाग का अंधाधुंध भ्रष्टाचार। गोंदिया जिले के जिला परिषद लघु सिंचन विभाग के उप विभाग अर्जुनी मोरगांव लघु सिंचन विभाग के उप अभियंता घरतकर के भ्रष्टाचार का कारनामा जिसमें दुबे कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से किसानों की सिंचाई के तालाब का पुनर्निर्माण कार्य को बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसके चलते लघु सिंचन विभाग के उपयोग उप विभागीय अभियंता भ्रष्टाचार को पुरजोर से अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला मोरगांव अर्जुनी के पीलाबोड़ी तालाब के काम में दिखने को मिला। मोरगांव अर्जुनी के निकटवर्ती लघु सिंचन विभाग का पीलाबोड़ी तालाब मौजूद है। इस तालाब के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तालाब की मिट्टी निकाल कर जो इस तालाब की दीवार है उस पर मिट्टी को डालकर और अधिक उसे मजबूत किया जाना था, ताकि तालाब की गहराई बढ़ेगी तो बारिश का पानी जमा होने से दीवार बह न जाए। इस हेतु उसे भी उस मिट्टी से मजबूत करने का काम गोंदिया ठेकेदार को दिया गया, लेकिन गोंदिया के ठेकेदार ने स्थानीय निवासी अरविंद पालीवार और नरेश मनीराम चांदेवार इनको तालाब की मिट्टी खुदाई का काम दिया गया, लेकिन इन्होंने तालाब की मिट्टी खुदाई कर तालाब की मिट्टी निकाल कर तालाब की दीवार को मजबूत करने का काम न कर मोरगांव अर्जुनी के कई लोगों को उस तालाब की मिट्टी सीधे तौर पर बेचने के मामले को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत तहसील के एसडीएम को दी तो दूसरे ही दिन से इन दो मिट्टी खुदाई करने वाले ठेकेदारों ने काम को तत्काल बंद कर दिया। लगभग इस तालाब से 5000 ब्रास मिट्टी की खुदाई की गई है। इस संदर्भ में उप विभागीय अधियंता लघु सिंचन विभाग के घरतकर से संपर्क किया गया तो वे अपने बगले झांक रहे थे, यानी चोर चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर अरविंद पालीवाल, नरेश मनीराम चांदेवार और उप विभागीय अभियंता घरतकर इस भ्रष्टाचार की कड़ाई की खीर खा रहे हैं। इस पूरे मामले में ठेकेदार और घरतकर की कंपनी शक के दायरे में है। गोंदिया जिले में ही पानी की किल्लत से लोगों का जीना बेहाल है, जिसके चलते महिलाएं कपड़े धोने के लिए जंगल के जंगली जानवरों के बीच जाकर कपड़े धोने से बेबस है। ग्राम सुखली के अगल बगल में पानी के स्रोत न होने की वजह से यहाँ की ग्रामीण महिलाओं जंगलों में पानी के स्रोतों में जाकर कपड़े धोने के लिए जाना पड़ रहा है। जंगल में जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति को इन महिलाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर कपड़े धोने पड़ रहे हैं। यह पूरा मामला महाराष्ट्र राज्य सरकार पर पानी व्यवस्था पर शर्मसार करने वाला है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।